नमस्कार एनएम व्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 288 सीटों पर एक ही दिन 20 नवंबर के दिन मतदान होगा। 23 नवंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र का जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी से सीट शेयरिंग पर बात कर रही थी और 5 सीटें मांग रही थी। लेकिन पहले तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीटें ना देने का ऐलान किया गया, लेकिन जब तक नामांकन की आखिरी तारीख आई तब तक समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे दी गई। हालांकि महाविकास अघाड़ी को लेकर अबू आजमी, जो मान खुद शिवाजी नगर से विधायक है, मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी को, वो बहुत ही तल्ख लहजे में महाविकास अघाड़ी के साथ बात कर रहे थे कि अगर सीटें नहीं दी तो इससे महाविकास अघाड़ी का नुकसान होगा, क्योंकि वोट बटेंगे उनके खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब लगभग नसीहत देते हुए अबू आजमी ने कांग्रेस पार्टी को लताड़ लगाई है। हालांकि आपको बता दूं कि अजीत पवार गुट की तरफ से नवाब मलिक, तो वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से सुरेश पाटिल को मान खुर्द सीट से मैदान में उतारा गया है। अबू आजमी ने कहा, हमने कांग्रेस को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि 1999 के बाद वो कभी भी निर्वाचित नहीं हुए और हम एमवीए को मजबूत करना चाहते हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं और बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन्हें सत्ता में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए मैंने फॉर्म भरवाया। मैं बार बार कहता रहा कि आप लोग फॉर्म ना भरें, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीत यहां पर समाजवादी पार्टी की ही होगी। ये हमारी सीट पहले से रह चुकी है, बिना अलायंस के मैं दोनों जगह से चुन कर आ चुका हूं, तो मेरा ज्यादा अधिकार है। महाविकास अघाड़ी से मैं बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात जरूर मानेंगे। हालांकि इससे पहले जब अबू आजमी का बयान आया था तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अब त्याग किसके त्याग की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस वक्त 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीटें नहीं दी गई थी, बल्कि उल्टा उनके नेताओं के द्वारा अखिलेश यादव पर टिप्पणियां की गई थी और कहा गया था कि कौन है अखिलेश वखिलेश। अब अगर मौजूदा वक्त की बात करूं तो नवंबर में ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं, और 2 सीटें वो दी गई हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है और अखिलेश यादव की पार्टी भी जहां बहुत बहुत ज्यादा जनाधार नहीं रखती। तो क्या राहुल गांधी की तरफ से महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश का बदला लिया गया है, उत्तर प्रदेश का बदला लिया गया है? गठबंधन तो इनका है, लेकिन ये अब ऐसा लगता है कि मजबूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों का वोट अक्सर ट्रांसफर होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये हमने देखा, और जब अखिलेश यादव ने देखा कि मुसलमानों का वोट ट्रांसफर हो रहा है, मुसलमानों का वोट उनसे छिटक रहा है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के हाथ के साथ अपनी गाड़ी आगे चलाने की बात सोची। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर है वो मुस्लिम वोट बैंक है, जो चाहते समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, ये वोट बैंक ना बटे, जिससे कि बीजेपी को आसानी से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हराया जा सके। अबू आजमी तो इसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी को वहां मुस्लिमों का वोट मिले। तो जिस तरीके से लताड़ लगाई गई है, या फिर कहें कि सीधे तौर पर एक तरीके से धमकी भरे लहजे में राहुल गांधी को ये नसीहत दी गई है, उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।